घर में अचानक से लगी आग, घर का जरूरी सामान जलकर हुआ राख, परिवार के लोगों ने घर से निकलकर बचाई जान। मिलक भुजपुर आशा गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब घर में अचानक से आग लग गई थी। घर में रखा जरूरी सामान व कुछ नकदी जलकर राख हो गई। गांव के पड़ोस के व्यक्तियों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया, फिर भी आग इतनी तेज हो गई थी कि घर के जरूरी सामान बचाना मुश्किल हो गया था, जिसमें सारा सामान जलकर राख हो गया। जिसमें गरीब पीड़ित ने मुरादाबाद प्रशासन और उत्तर प्रदेश की ओर से घर की आर्थिक तंगी को देखते हुए मुआवजे की मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। ये जो आग लगी है कैसे लगी है? सर ये आग लगेगा तो ना तो फैमिली को ही पता है और ना किसी ग्रामीण को पता है। ये कितने बजे का मामला है? ये शायद फैमिली मेंबर 10-10:30 बजे का बताते हैं। अच्छा, और किसी को सूचना की? सूचना के बारे में सर हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फैमिली मेंबरों ने करी है या नहीं करी है ये पता होगा। प्रधान जी, पूर्व प्रधान जो है ग्राम भूजपुर आशा के, उनको सूचित किया गया था। कोई अधिकारी, कोई फायर ब्रिगेड है किसी को? कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं। अपने ग्राम। क्या नाम है आपका? भूरा। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम भूजपुर आशा। क्या करते हो? मेहनत मजदूरी। ये जो आग लगी है कैसे लगी है? ये घर में आग जो लगी है इसमें जो हमारे बच्चे ने हमें बताया कि पापा आग लग चुकी है, जब हमने जाके देखा तो सारी लपटों से घर गिर चुका था। कितने बजे का मामला है ये? सुबह 10-10:30 बजे का मामला है। कोई फायर ब्रिगेड या पुलिस अधिकारी किसी को फोन किया आपने? कोई आया? इसलिए नहीं किया कि भाई हम किस पे शक करते। कोई पुलिस अधिकारी अभी तक कोई सूचना? कोई सूचना हमने इसलिए नहीं दी क्योंकि हमें किसी पर डाउट नहीं था, किसी पर शक नहीं था। क्या मांग करना चाहेंगे मुरादाबाद प्रशासन से? मुरादाबाद प्रशासन से क्या है कि आप गरीबी में मान के चलो, हम पे झाड़े में कोई गुजर बसर का कोई साधन नहीं है। बस जो नुकसान हमें मिला है हुआ है हमारा, कि किसी सूरत से हमें यही पूरा हो जाए, यही बहुत है। लगभग कितना सामान जल गया? लगभग मान के चलो कि खाली जो तन पे कपड़े हैं वही वो बचे हैं, बाकी हमारे घर में कुछ नहीं बचा। नकदी भी जल गई। किसी जान उनको खतरा, कोई बच्चा उच्चा किसी का? नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ नहीं। माल का ही नुकसान हुआ केवल। अच्छा ठीक।